दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WhatsApp के दो नए ऐसे फीचर्स के बारे में जिसे WhatsApp ने अपडेट किया है अपने WhatsApp ऐप के अंदर। अगर आप एक WhatsApp यूज़र हैं और आप WhatsApp यूज़ करते हैं तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों फीचर्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये दोनों फीचर्स से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है और ये फीचर आपको WhatsApp में कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब के साथ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके दोनों फीचर्स के बारे में जानते हैं कि आप इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो फीचर है वो है मैसेंजर रूम को लेकर। अभी WhatsApp में आपको एक फीचर मिला है रूम को लेकर, उसके थ्रू आप जो है मैसेंजर में एक रूम क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ जो है एक साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। दोस्तों WhatsApp का जो यहाँ पहला फीचर है वो है रूम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, WhatsApp ने एक नया फीचर इनेबल किया है रूम को लेकर, जो कि लिंक है आपके मैसेंजर के थ्रू। जब आप रूम क्रिएट करेंगे तो आपको जो है रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा मैसेंजर के ऊपर, और वहाँ पे जो है आप अपना रूम क्रिएट कर सकते हैं। ये काम करता कैसे है, सिंपली आपने सुना होगा जूम मीटिंग एप्लीकेशन का नाम, सेम वैसे ही ये जो है काम करता है। तो आइए इन प्रोसेस को करना कैसे है इसको अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपली आपको रूम क्रिएट करने के लिए किसी के भी प्रोफाइल के अंदर आना है जिसके प्रोफाइल के थ्रू आप रूम क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इस प्रोफाइल के अंदर आ चुका हूं और यहां पे जहां मैसेज टाइप करते हैं वहां देखिए एक अटैचमेंट का ऑप्शन होगा, ठीक है, इस पर आपको सिंपली टच करना है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट रो में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रूम का, और इस वाले ऑप्शन पर आपको टच करना है। ये ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा मैसेंजर के ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपने लिखा है योर रूम हैज़ बीन क्रिएटेड, मेरा रूम जो है क्रिएट हो चुका है। नीचे लिखा है सेंड लिंक ऑन WhatsApp। अभी इसका लिंक जो है मैं WhatsApp पे सेंड करने को कह रहा है, और मैं जिसको भी यहाँ पे ज्वाइन करना है अपने रूम पे मैं उनको लिंक सेंड करूँगा और वो बंदा उस पर क्लिक करके मेरे रूम पे जो है ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ से आराम से सेपरेटली जो है कितने भी लोगों को ज्वाइन करके हम उसके साथ वीडियो चैट पर बात कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ये काम करता है रूम का फीचर। अभी दूसरा फीचर है दोस्तों QR कोड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आप QR कोड के थ्रू किसी को भी WhatsApp में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों WhatsApp का दूसरा फीचर है वो है QR कोड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, WhatsApp ने इनेबल किया है एक फीचर QR स्कैनर कोड को लेकर, जिसकी मदद से आप किसी के भी WhatsApp को स्कैन कर सकते हैं अपने QR स्कैनर से, और उसके QR कोड को स्कैन करके आप जो है उसको WhatsApp से कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अभी होता क्या था कि किसी की मान लीजिए किसी ने नया सिम कार्ड लिया या किसी ने नया फ़ोन लिया और उसको वो नंबर याद नहीं है, और उसी नंबर से उन्होंने एक WhatsApp अकाउंट बनाया, और जब आप उनसे मांगते हो वो नंबर तो उनको तो याद ही नहीं है, तो वो आपको देंगे कहाँ से। तो ऐसे केस में इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं और उनके WhatsApp से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको यूज़ करना कैसे है और क्या क्या करना होगा इसके लिए, क्या प्रोसेस है। तो सिंपली आपको यहाँ 3 डॉट में जाना है और नीचे सेटिंग का ऑप्शन है इसमें जाना है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल के बगल में एक QR कोड का जो है ऑप्शन आ रहा है, इस पर मुझे टच करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, माय कोड और स्कैन कोड। अगर आपको स्कैन करवाना है अपना QR कोड तो यहाँ पे माय कोड पे दिखेगा आपका कोड, और स्कैन कोड का मतलब है कि आप किसी और के WhatsApp को जो है स्कैन करना चाहते हैं। तो मैं किसी और का स्कैन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर टच करूँगा स्कैन कोड पर, अभी देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, और जैसे ही मैंने स्कैन किया उसका WhatsApp ऑटोमेटिक जो है ओपन हो गया। अभी यहाँ पे बताने वाली बात ये है दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी ये नंबर सेव कर रखा था, इसलिए यहाँ पे नाम के साथ इसका WhatsApp ओपन हो गया। अगर फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे करोगे तो अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर दिखेगा और आपको सिंपली इसका नंबर जो है सेव करना पड़ेगा। तो बस ऐसे इस फीचर को आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इन दोनों फीचर्स का आइडिया आपको लग गया होगा कि इन दोनों फीचर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितना बेनिफिट ले सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मत भूलना, और जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।